हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की ट्रेनीज के लिए है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्विजिंग, थ्रेडिंग एंड ब्लीचिंग। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक के इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि ये तीन चीजें एक्चुअली में क्या है। तो सबसे पहले हमने बोला ट्विजिंग, थ्रेडिंग एंड ब्लीचिंग। तो देखो, ये तीनों जो तरीके हैं ये हमारे बॉडी में से, हमारे स्पेशली हमारे चेहरे पे से बालों को हटाने के काम में आते हैं। विशेषकर चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। जैसे कि आईब्रोज हैं, हमारे चेहरे का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और जो कि ये चेहरे की बनावट के अनुसार इनका आकार देना पड़ता है। तो क्या है, थ्रेडिंग और ट्विजिंग दोनों कंसेप्ट चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हैं। और तीसरी चीज मैंने बोली ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के लिए क्या है, चेहरे के रंग को साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो चेहरे पर हम लोग अपर लिप्स, यहाँ पर फोरहेड, यहाँ पर आईब्रोज, यहाँ पर इन सब जगहों के जब हम बाल निकालते हैं तो यही विधि है जिनकी मदद से हम ऐसा करते हैं। तो चलिए अब इन तीनों टॉपिक को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे उद्देश्य भी हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक ये भी एक सब हेडिंग है आपके चैप्टर की, तो हमें ये समझना चाहिए कि इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है क्या, अवांछित बालों को हटाना और सुंदरता बढ़ाना। और ब्लीचिंग से हमें क्या समझते हैं, चेहरे की रंगत को निखारना। जैसे कि किसी के चेहरे पर थोड़ा काला बन है, दाग हैं, धब्बे हैं, तो वो हट जाते हैं अगर हम ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग से चेहरे पर चमक भी जाती है, गोरापन आ जाता है। अब देखो, ब्लीचिंग बाजार में बहुत तरीके की मिलेगी, लेकिन क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, लेकिन आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही ब्लीच यूज करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो आपको ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं थ्रेडिंग। तो देखो बच्चों, सबको पता है थ्रेडिंग क्या होती है। अपने ग्राहक के, या फिर हम अपनी आईब्रोज की बात करते हैं, ग्राहक की भौं को आकार देने हेतु प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया थ्रेडिंग कहलाती। इसका प्रयोग सभी ब्यूटी पार्लर, सैलून में किया जाता है। पहले के जमाने में केवल महिलाएं ही थी जो थ्रेडिंग कराती थी, पर अब पुरुष भी सौंदर्य के प्रति सचेत हो गए हैं और वह भी थ्रेडिंग कराते हैं। उन्हें चेहरे को आकर्षक बना देता है उनके चेहरे को थ्रेडिंग, और थ्रेडिंग करने से जो दर्द होता है, देखो वो इतना दर्द नहीं है, वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है और कुछ समय बाद वो बंद हो जाता है। और थ्रेडिंग कराने से चेहरे पर रौनक आ जाती है, यहाँ की सफाई हो जाती है, यहाँ जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, तो चेहरे पर ग्लो आ जाती है, चेहरा खिल के आता है। ठीक है, और एक क्योंकि आप एक कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं तो आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनेंगे, तो आप जब भी थ्रेडिंग करेंगे तो जो आकार आप देंगे थ्रेडिंग का, थ्रेड से आईब्रोज का, वो आपके क्लाइंट के चेहरे के अनुसार होना चाहिए। उसकी जो शेप होनी चाहिए वो चेहरे के अनुसार होनी चाहिए। देखिए, एक केस में तो थ्रेडिंग बहुत आसान है, अगर किसी की पहले से थ्रेडिंग हो रखी है तो क्या करते हैं लोग, केवल एक्स्ट्रा बाल निकालते हैं। उससे क्या होता है, जो शेप है वो बनी रहती है, उसको आपको छेड़ना नहीं होता। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपके पास कोई फर्स्ट टाइमर आ गया, मतलब वो पहली बार आईब्रो बनवाएगा, वो पहली बार थ्रेडिंग करवाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी आईब्रोज को कैसे लुक में लाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको, उसका जो शेप है वो किस तरीके की रखते हैं, और आप शेप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भाई कौन सी शेप होनी चाहिए उसके चेहरे के आकार पे। देखिए, बहुत सारी आईब्रोज की जो थ्रेडिंग की शेप्स है वो बहुत सारी हैं। कुछ शेप्स मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी भी कि ऐसी ऐसी शेप भी होती है। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है,
क्योंकि थ्रेडिंग हम थ्रेड से करते हैं, तो आपको सवाल पूछा जाता है कि वो थ्रेड कैसा होता है। तो देखो, थ्रेडिंग के लिए जो थ्रेड होता है उसको हम 40 नंबर का थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? 40 नंबर का थ्रेड। तो अगर आपसे सवाल आता है पेपर में कि कौन से नंबर के थ्रेड से थ्रेडिंग बनाई जाती है, तो आपको सिंपली बोलना है 40 नंबर थ्रेड से। चलिए अब हम देखते हैं कि किस किस शेप की थ्रेडिंग आईब्रोज हो सकती है। देखिए, ये सब शेप्स हैं थ्रेडिंग की। इन भिन्न भिन्न प्रकार की आईब्रो शेप्स एक अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को दे सकता है। देखिए, ये ड्रामेटिक थिन लाइन है, ये नेचुरल है जैसी होती है, ये थोड़ी थिक है, ये ग्लैमरस है, ये सोफिस्टिकेटेड में आते हैं, ये सिडक्टिव टाइप की आती है, ये एग्जॉटिक आती है, ये अट्रैक्टिव आती है, ये मिस्टीरियस आती है। और इनमें जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो ये है ड्रामेटिक नेचुरल। ज्यादातर लोगों की ऐसी होती है, या फिर आपने देखा होगा ये भी बहुत कॉमन है, अट्रैक्टिव नेचुरल और मिस्टीरियस नेचुरल। ये सब क्या है? लेकिन आप किसी की शेप ऐसे नहीं बनाते। सबसे पहले आप उसका फेस को देखते हैं कि फेस कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग आप आईब्रो की शेप देते हैं। अगला तरीका जिससे हम अनचाहे बाल निकाल सकते हैं वो कहलाता है ट्विजिंग। अब देखो, ट्विजिंग क्या होती है? बेसिकली ट्विजिंग इज प्लकिंग। प्लकिंग मतलब बाहर निकालना, खींच के। तो ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम ट्विजर या फिर प्लकर। इसका प्रयोग करके हम जिस बाल को भी चाहें उस बाल को बाहर निकाल लेते हैं। ये नोकीला सिरा जो होता है, इससे हम बाल को पकड़ लेते हैं और फिर अपनी तरफ खींच लेते हैं और बाल निकल जाते हैं। अब देखिए, इसमें और थ्रेडिंग में क्या अंतर है? तो बच्चों, थ्रेडिंग की अपेक्षा इसमें ज्यादा दर्द होता है, ठीक है? और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम भौं पे कर सकते हैं, अपनी चिन पे कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसा देख रहे हैं कि एक दो बाल कहीं पर हमारा छूट गया है, थ्रेडिंग में ही छूट गया है मान लो, और हम नहीं चाहते कि वहां थ्रेडिंग करें, कहीं ज्यादा बाल निकल जाए, तो हम ट्वीज़र की मदद लेकर उस बाल को निकाल सकते हैं। ज्यादातर हम इस्तेमाल ही ट्वीज़र का उस जगह पर करते हैं जहां से हमें केवल एक दो बाल ही निकालने पड़ते हैं। इसका जो यूज है वो बेसिकली फेस पर ही करते हैं हम लोग। और क्यों? क्योंकि देखो, थ्रेडिंग आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन ट्विजिंग आप अपने फेस की खुद कर सकते हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो और आप ट्विजर लो और आपको जिस भी पर्टिकुलर बाल को आपको निकालना, आप उसको पकड़ो और खींच दो। एंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम ट्विजिंग कहते हैं, और जिस डिवाइस की मदद से हम ये करते हैं उसको हम ट्विजर कहते हैं। और बच्चों, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब टेम्पररी रिमूवल है हेयर का, और उसमें भी हम वो तरीका अपना रहे हैं जिस तरीके से हमारे बाल जड़ से निकल रहे हैं, जिसको हमने कहा था एपिलेशन मेथड। अब एपिलेशन मेथड्स में हमने थ्रेडिंग के बारे में जाना, ट्विजिंग के बारे में जाना, राइट? अब नेक्स्ट बिल्कुल अलग चीज है, दैट इज नॉट एपिलेशन मेथड। अब एक अलग चीज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है ब्लीचिंग। अब देखो बच्चों, ब्लीचिंग शब्द जो है वो, उसमें से ब्लीच अगर हम हटा दें तो जो ब्लीच है वो क्रीम है, ठीक है? और उस क्रीम को फेस पर लगाना इज ब्लीचिंग। अब ये ब्लीचिंग करता क्या है? देखो, आपके फेस पर छोटे छोटे बाल हो सकते हैं, रुए जैसे, ठीक है? हम चाहते हैं कि उन बालों का रंग जो है वो हल्का पड़ जाए और हमारा जो फेस है वो चमकने लगे। तो हम क्या करते हैं, हम वो ब्लीच लेकर आते हैं मार्केट से, उसके अंदर पाउडर होता है एक और एक एक्टिवेटर होता है, हम उन दोनों को मिक्स कर देते हैं और अपने फेस पर लगा देते हैं। काफी देर रखने पर, 10-15 मिनट बाद रखने पर हम उसको हटा देते हैं। जब हम उसको हटा देते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि हमारे चेहरे पे जो रंग था बालों का वो दिखना बंद हो जाता है, बाल जो हैं वो लोहरे हो जाते हैं और हमारा चेहरा जो है वो निखर आता है, ठीक है? ब्लीच का प्रयोग करने से हेयर रिमूविंग तकनीकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अवांछित बाल त्वचा के रंग में ही मिल जाते हैं। ब्लीच से एक फायदा है,
आपको वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ट्विजिंग की जरूरत नहीं है। आपके बाल रहेंगे लेकिन बालों का जो रंग है वो स्किन से मैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में अगर हम आगे देखें कि मार्केट में बहुत सारे तरीके की ब्लीच अवेलेबल है, बट जो ब्लीच का यूज है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम फेस स्किन का ध्यान रखें कि जो कस्टमर है हमारा उसकी स्किन किस टाइप की है और फिर ब्लीच करें, राइट? ये चीज का ध्यान आप बहुत रखेंगे। सबसे पहले क्रीम ब्लीच, जो मैंने आपको बताया सबसे आसानी से मार्केट में मिलने वाली ब्लीच क्रीम ब्लीच होती है। क्या होता है, पैकेट के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक क्रीम मिलेगी और एक एक्टिवेटर मिलेगा। ब्लीच करने के लिए क्रीम में दिशा अनुसार, निर्देश अनुसार एक्टिवेटर मिला देंगे और ब्लीच करने वाले अंग की त्वचा पर लगा लेंगे। पैक पर कंपनी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़कर उनके अनुसार निश्चित समय के लिए ब्लीच लगी रहने देंगे और फिर पानी से उस जगह को धो लेंगे। अब आप देखेंगे कि जो स्किन है उस पर जो बाल थे उनका रंग हल्का पड़ गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब उसी के जैसे दूसरी टाइप की ब्लीच है पाउडर ब्लीच। अब उस पाउडर ब्लीच में क्या होता है, देखो पाउडर ब्लीच में मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट का पाउडर होता है। किसका पाउडर होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का, और उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाते हैं। उन दोनों से जो पेस्ट तैयार होता है उस पेस्ट में अमोनिया की 6-7 बूंदे मिलाते हैं और फिर ब्रश से चेहरे पर लगाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, पाउडर ब्लीच में क्या क्या चीजें मिलाई, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और उसमें 6-7 अमोनिया की बूंदे। अब ये जो पेस्ट बना इसको लगाया हमने, राइट? हाथ या पैर पर निश्चित समय के लिए लगाते हैं, उसके बाद उसको पानी से धो देते हैं और साफ तौलिया से पूछ लेते हैं। ये हो गया कौन सी कैटेगरी का, पाउडर ब्लीच। अब एक और कैटेगरी है जो है ऑयल ब्लीच। देखो ऑयल मतलब तेल, इसका मतलब इस ब्लीच में तेल होगा। अब ध्यान रखेंगे, इजीली अवेलेबल सबसे क्रीम ब्लीच है, लेकिन इससे भी महंगी ब्लीच है ऑयल ब्लीच। इससे क्या होता है, ये काफी कम किया जाता है इसका प्रयोग, क्यों, क्योंकि ये महंगी है, ठीक है। इसे लगाने के लिए ऑयल में एक्टिवेटर मिलाते हैं और फिर स्किन पर लगाते हैं और फिर साफ कर देते हैं। देखो एक्टिवेटर इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, बट यहाँ क्रीम के अंदर मिलाते हैं और यहाँ पर ऑयल के अंदर मिलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट था हमारा ब्लीचिंग का कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स हमने इन तीनों चीजों के बारे में तो पढ़ लिया है कि थ्योरी, अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईब्रो की थ्रेडिंग से। तो स्टेप्स यहाँ लिखे हैं, आप मेरे साथ स्टेप्स को पढ़ते रहें और समझते रहें। सबसे पहले ग्राहक के बालों में हेयर बैंड लगाएं। देखिए सबसे पहले हेयर बैंड क्यों लगाना है, ताकि थ्रेडिंग करते वक्त आपके ग्राहक के बाल जो हैं वो आंखों पर ना आए। अब ग्राहक की भौहों पर कॉटन से पाउडर लगाएं, जिससे आंखों के आसपास नमी या पसीना समाप्त हो जाए। ग्राहक को अपनी भौहों के ऊपर तथा नीचे उंगलियों को रखकर त्वचा को खींचने के लिए कहें। ऐसा न करने की स्थिति में थ्रेडिंग करते समय त्वचा अथवा भौहें कट सकती हैं। अब देखिए बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको अपनी भौह जो हैं, ये जो आंखें हैं, आपको ऐसे करके खींचना होता है ताकि आपकी थ्रेडिंग जो है वो इजीली हो सके। अगर आपसे नहीं होता तो वहां पर कोई ना कोई हेल्पर मिल जाता है जो आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, थ्रेड को हाथों से पकड़कर मुंह में दबाएं तथा थ्रेडिंग सबसे पहले आंखों के ऊपर, नाक के ऊपरी सिरे के पास से शुरू करके आंखों के बाहरी छोर की ओर से ले जाते हुए संपन्न करें। मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद ऊपर से ऐसे जाना है। ऊपर के सिरे की थ्रेडिंग पूर्ण होने के बाद नीचे के छोर से दूसरे छोर की ओर थ्रेडिंग करनी है, फिर आपको नीचे की थ्रेडिंग करनी है। मतलब पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर की थ्रेडिंग करनी है,
फिर नीचे की थ्रेडिंग करनी है। नीचे की ओर थ्रेडिंग करते समय कर्व बनाए, क्योंकि कर्व वाली भुवे अधिक आकर्षक लगती है। सिंपल सी बात है, कोई सीधी भुवा तो नहीं बनाता, सब आकार देते हैं, कोई आकार चेहरे के अनुसार होता है कि वो धनुषकार, गोलाकार, कोणाकार या सीधा आकार देना चाहें, वो सब चेहरे पर डिपेंड करता है जिसकी थ्रेडिंग आप बना रहे हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट जब एक भुवा को आकार दे चुके तो दूसरी भुवा पर भी चरण 3 से 7 तक की प्रक्रिया दोहरानी है। मतलब अब जो भी प्रोसेस आपने इस आंख के लिए किया, सेम प्रोसेस अब इस आंख के लिए करना है। मतलब पहले पाउडर लगाना है, फिर आपको बोलना है कि आंख को खींचिए पकड़कर, आपको निचले का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। उसके बाद क्या करना है, इधर से शुरू करके यहाँ तक थ्रेडिंग करनी है, फिर नीचे के हिस्से पे थ्रेडिंग करनी है। मतलब सेम प्रोसेस फॉलो करना है ये और ये। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई बाल छूट गया है तो आपको क्या करना है, ट्वीज़र से उस एक दो बाल को निकाल देना है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ट्वीज़र का इस्तेमाल ही हम तब करते हैं जब एक या दो बाल निकालने। यदि भौ में अधिक लंबे बाल हैं तो उन्हें पहले सावधानी से बाकी बालों के बराबरी में आरंभ में ही कैंची से काट दे, या आप एंड में भी काट सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि ये जो बाल हैं ये इन सब के बराबर हो जाएंगे अगर हम इन्हें काट दे। अब इस प्रोसेस से तो थ्रेडिंग हो गई। थ्रेडिंग होने के बाद आपको क्या करना है, क्रीम से 2 मिनट के लिए आईब्रोज पर मसाज करनी है। और इसकी तरह इस तरीके से हमने थ्रेडिंग का प्रोसीजर, यानी कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जाना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि ट्वीजिंग कैसे करते हैं। ट्वीजिंग का प्रोसेस देखते हैं। ट्वीजिंग प्रक्रिया आरंभ होने से पहले ध्यान से आईब्रो के ऊपर और उसके आसपास के हिस्से को क्लिंजिंग मिल से साफ कर लें। ऑब्वियस सी बात है, आपको एक या दो या तीन चार बाल निकालने हैं तो इससे पहले आप उस एरिया को पूरे को साफ कर लें, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कि कौन से बाल हटाने हैं और कौन से बाल नहीं हटाने। एक स्पंज का पीस या थोड़ा सा कॉटन लेकर उसको गर्म पानी में भिगो लें और उससे आईब्रो वाली जगह साफ कर लें। इस तरह त्वचा से बाल खींचने आसान हो जाएंगे, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी अगर आप गर्म पानी से वहां पर उसको साफ कर लेते हैं। फिर थोड़ी सी क्रीम लगाकर जगह को नरम करें और आईब्रो की शेप दें। ट्वीज़र का प्रयोग से पहले उसे गर्म पानी में कीटाणु रहित लेना चाहिए। यह ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप आयरन या फिर कोई मेटल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको उसको सैनिटाइज कर लेना चाहिए। बाल हटाते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक समय में एक ही बाल खींचें और त्वचा में बालों की दिशा का ध्यान रखें। मतलब जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है और एक बार में एक ही बाल को खींचना है। यदि एक से ज्यादा बाल आप खींचेंगे तो दर्द भी होगा और आपकी स्किन भी लाल पड़ जाएगी। बालों को खींचते समय दूसरे हाथ की उंगलियों से उस जगह को अवश्य खींच लें, ताकि बाल खींचने में आसानी हो। ऑब्वियस बात है, उस जगह को टाइट कर लेंगे ताकि वहां से बाल निकालना आसान हो जाए। बालों को खींचने से पहले यह भी देखें कि ट्वीजिंग कहां से शुरू करनी है। देखो, ट्वीजिंग सदैव दोनों आंखों के बीच से शुरू करनी चाहिए। इस पोर्शन से पहले बीच का भाग साफ करें तथा फिर आंखों के ऊपर का हिस्सा, अंत में आईब्रो के नीचे के हिस्से से फालतू बालों को साफ करना चाहिए। देखिए जैसे हमने थ्रेडिंग प्रोसेस किया था बिल्कुल सेम है, पहले बीच से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। अब आईब्रो की शेप ठीक करें और ऊपर के हिस्से से बाल साफ करें। आईब्रो की शेप आंखों के साइज से बाहर जानी चाहिए। देखिए लेकिन ट्वीजिंग का यूज जो है वो शेप देने के लिए नहीं कर सकते आप, आपकी थ्रेडिंग बनी होगी, बस आपके जो एक्स्ट्रा बाल होंगे आप ट्वीजिंग से उन्हीं बालों को निकालेंगे। अब देखते हैं कि ब्लीचिंग कैसे करते हैं। ब्लीचिंग में देखो सबसे पहली चीज, एक प्रिकॉशन है ब्लीचिंग के लिए कि ब्लीचिंग का प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करना चाहिए।
अदरवाइज आपकी स्किन पर ऐसा लगेगा कि शायद आपकी स्किन जल गई हो अगर आपने कुछ भी गलती करी, मतलब अगर एक्टिवेटर ज्यादा डाल दिया, बहुत देर के लिए ब्लीच छोड़ दी, तो हो सकता है कि आपके चेहरे पर उसके साइड इफेक्ट्स हो, आपकी स्किन ऐसी लगे जैसे कि जल गई हो। तो ब्लीचिंग करने के लिए बहुत ध्यान से उस पैकेट पे जो लिखा होता है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ब्लीचिंग के प्रोसेस में क्या क्या करना होता है। सबसे पहले क्लिंजिंग मिल से चेहरे को साफ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेस से रिलेटेड, अगर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिस पे कोई पेस्ट लगाएंगे या कोई क्रीम लगाएंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने पहले चेहरे को पहले साफ कर लें। फेस ब्लीच के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप ब्लीचिंग पाउडर की मदद से ब्लीच करेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप मार्केट से भी ब्लीचिंग क्रीम ला सकते हैं और उसे भी यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका सेम होगा, जैसे कि यहाँ पर तो ब्लीचिंग क्रीम बना रहे हैं, बस आपके पास वो क्रीम बनी बनाई होगी। फेस ब्लीच के लिए 2 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच और 3-4 बूंदे अमोनिया का पेस्ट डालकर बना लें। ग्राहक के सिर पर हेयर बैंड लगाएं ताकि सिर के बालों पर ब्लीचिंग पेस्ट का असर ना हो। मुलायम ब्रश से ब्लीचिंग पेस्ट को एक समान फेस पर लगाएं और ध्यान रखें कि आंखों के चारों ओर वाले एरिया पर और होठों के पास वाले एरिया पर ब्लीचिंग पेस्ट ना लगाएं। अब लगाने के बाद जब ये सूख जाए तो क्या करें, आप 2 कॉटन के टुकड़े लेकर गुलाब जल में भिगोकर या पानी में भिगोकर आंखों पर रख दें ताकि आंखों पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। अब टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपके क्रीम के पैकेट पर भी लिखा होता है और वैसे भी, 10 से 15 मिनट बाद आप उस ब्लीच को हटा सकते हैं, ठीक है, तौलिया से, स्पंज से, किसी भी चीज से आप उसको हटा सकते हैं। अब आप फील करेंगे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और आप उस स्किन पर कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई साइड इफेक्ट या कोई एलर्जी हो रही है तो आप वहां पर बर्फ का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में 3 चीजों के बारे में पढ़ा, वो थी थ्रेडिंग, ट्विजिंग एंड ब्लीचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू सो मच।